हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे आप लोग, हमेशा एक तरह दोस्तों वीडियो को प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो आज का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपीपीएससी या व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी में जाकर हमारा फ्री प्लान, हमारा कूपन कोड यूज करके फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 500 प्लस से अधिक लाइव क्लासेस मिलती है, वो भी डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। तो कुछ करना कुछ नहीं है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर एमपीपीएससी एंड व्यापम सेलेक्ट करना, उसके बाद आप लोगों को हमारा कूपन कोड यूज कर लेना है SA30। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज का पूरा न्यूज़ क्या है और किस तरीके से एमपीपीएससी अपना जो रिजल्ट है उसको रिवाइज कर सकता है, उसके चीज़ों के रिलेटेड मैं जानकारी दूंगा। देखिए सबसे पहले जनसंपर्क विभाग की ओर से जो एक ट्विटर पर ट्वीट किया गया था, उसके बाद फेसबुक पर भी उन्होंने अपडेट डाल दिया है कि देखिए जो आपकी परीक्षा है वह निर्धारित समय के अनुसार ही होगा, जो उसका कार्यक्रम है मार्च में पेपर होने हैं मेंस एग्जाम के, वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो देखिए कुछ क्या चीज़ें अभी कोर्ट में हुई हैं उसके रिगार्डिंग मैं चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए अभी क्या था, मुद्दा यह था कि 21 जनवरी को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, सुनवाई की गई थी जब हाईकोर्ट की ओर से, तो एमपीपीएससी जो मेन्स परीक्षा थी उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने 27 जनवरी को एमपीपीएससी के आवेदन पर सुनवाई की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 जनवरी की जब सुनवाई की गई है तो यहाँ पे आयोग ने जो एमपीपीएससी की ओर एमपीपीएससी के रिजल्ट पर रोक लगाई थी उसको हटा दिया है। तो देखिए वो जो कार्यक्रम होगा उसी अनुसार होगा, लेकिन देखिए अभी आने वाले दिन में अपडेट्स क्या हैं, यानी कि जिनके भी दोस्तों यहाँ पे 70-71 नंबर आ रहे थे, यानी कि 71 तो नंबर नहीं हो सकते, 70 क्वेश्चन जिनके भी सही होंगे वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी अपना रिजल्ट को भी रिवाइज कर सकता है। देखिए कुछ चीज़ों को मैं समझाता हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर लगाए गए रोक स्टे हाई कोर्ट ने सशर्त हटा ली, कुछ शर्तों के साथ हटा ली है। ठीक है, पीएससी के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि आयोग को कोई भी रिजल्ट कोर्ट के अधीन ही होगा। ठीक है, तो आयोग का जो भी रिजल्ट होगा वो कोर्ट के जो अंतिम फैसला होगा उसके अधीन ही होगा। साथ ही यदि 4 फरवरी तक आयोग ने जवाब पेश नहीं किया तो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। देखिए जो आप लोगों का 4 डेट होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे एमबीपीएससी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर ये डेट जो 4 तारीख की डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे 113% आरक्षण देने पर, ठीक है, दिया गया है, और 2019 की जो परीक्षा उसमें वर्ष 2020 के नियम लागू किए गए जो कि असंवैधानिक है। ठीक है, तो इसी चक्कर में एमपीपीएससी के जो रिजल्ट को रोक लगा दी गई थी, लेकिन उस रोक को अभी हटा दिया गया। अब 4 जनवरी को जो फैसला आएगा दोस्तों उसमें अगर विभाग यानी कि एमपीपीएससी विभाग कोई जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं देता है कोर्ट को, तो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनवाई की जाएगी। ठीक है, फैसला आ जाएगा तो जो आप लोगों का रिजल्ट है उसको भी रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए उसमें हॉरिजॉन्टल कट ऑफ दिया गया था जिसपे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे जैसे एसटीएससी का जो मेरिट होती है वो अनारक्षित वर्ग में नहीं बनाई गई थी, वो सिर्फ आरक्षित वर्ग में उनको ही, एसटी वालों स्टूडेंट को सिर्फ एसटी का कोटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट को बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है, सिर्फ अगर घाटा होने वाला है तो जनरल के स्टूडेंट्स का घाटा हो सकता है, क्योंकि उनको अगर ये होता है तो सिंपल सी बात है कि वो आरक्षित वर्ग की सीट पे ही, अनारक्षित वर्ग की सीट पर ही जाएंगे, तो वहाँ से ये हो सकता है कि ओबीसी वालों का तो कटअप कम हो पर जनरल वालों का कटअप बढ़ सकता है। ठीक है, तो यही अपडेट थी, और जो भी नई अपडेट आएगी 4 फरवरी को वो मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए अगर दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि अगर जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को पुनः रिवाइज करने का फैसला हाईकोर्ट देता है या जो भी सुनवाई में फैसला आता है, तो क्या एमपीपीएससी का यहाँ पे जो एग्ज़ाम है मेंस का एग्ज़ाम जो कि मार्च में होना, तो वो क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है? तो देखिए चांसेस तो हैं कि बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी आप लोगों के पेपर मार्च में होने, क्योंकि देखिए एमपीपीएससी ने पूरा यहाँ पर कैलेंडर ही अपना टाइट शेड्यूल कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया है। ठीक है, तो मुश्किल है कि यहाँ पर डेट आप लोगों की बढ़ेगी, बट चांसेस हैं कि बढ़ सकती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा, जहाँ पे आप एमपीएसआई का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से एमपीपीएससी और एमपीएसआई का ये कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 3 मंथ का यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और जो कि 2 फरवरी से जारी
चालू होने वाला है। तो बिल्कुल इस कोर्स को जाके अटेंड कर लीजिए और अपना एनरोल कर लीजिए। किस तरीके से सारी प्रोसेस करनी है वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अनअकैडमी आपको टाइम टाइम पर लगातार अपने सुटेबल के अनुसार कोर्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 60 डेज का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आप रिवीजन के साथ डेडिकेटेड लाउड डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ बैच को अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच को भी ले सकते हैं। देखिए करना कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सारे कोर्स पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही कोर्स लें, ठीक है। यहाँ पे 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ पे 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इस कोर्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी के लिए। यहाँ पे संपूर्ण रिवीजन कोर्स है, जहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और उसके साथ आप लोगों की डाउट क्लियरिंग सेशन क्लासेस भी होंगी, तो आप अपने अनुसार रिवीजन कर सकते हैं, अपने स्पीड के अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए एमपीपीएससी एंड व्यापम आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे हमारा कूपन कोड SA30 यूज कर लेना है। देखिए 12 महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सबसे बेनिफिट आप लोगों को होगा। यहाँ पे आप लोगों को 660 रुपये सिर्फ में आप लोगों के एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी पटवारी सभी की क्लासेस फ्री में जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन वाली होगी वो खुल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।